हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे मिस्टर सचिन खुराना। 1996 में उन्होंने ग्रैसम मिस्टर इंडिया जीता था और उसी साल वर्ल्ड सुपर मॉडल में इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया। 98 में मिस्टर वर्ल्ड पेजेंट में भी टर्की में उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। 500 से ज़्यादा फैशन शोज उन्होंने किए हैं और 200 से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स उन्होंने किए हैं। वो भी आप इमेजिन कीजिए, उस टाइम जब इंडस्ट्री इतनी ग्रोन नहीं थी, दैट टाइम ही वॉज सो पॉपुलर, सो हैपनिंग। और उसके बाद 2002 में उन्होंने अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट किया, थिएटर से शुरू किया, देन टेलीविजन एंड देन मूवीज। ओ आई एम सो इंस्पायर्ड बाय दिस पर्सनैलिटी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा इनसे बात करके। आई फील सो हैप्पी। लेट मी सी वो हमारे साथ कब कनेक्ट कर पाते हैं। बिल्कुल शॉर्टली ही विल बी देयर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, टेलीविजन में तो भरमार है, भरमार। उन्होंने स्टार्ट किया अविनाश आईपीएस, उसके बाद रीमिक्स, सात फेरे, तुझको है सलाम जिंदगी, चंद्रमुखी, आपकी अंतरा, हॉन्टेड नाइट्स, शपथ, सावधान इंडिया, इश्क किल्स, आहट, ये उन दिनों की बात है, दिल है जिद्दी, मतलब सो ऑन ऑन एंड ऑन एंड ऑन। आई थिंक सचिन जी हमारे साथ लाइव आ चुके हैं। हेलो सर, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग गाइस? कैन यू गाइस हियर मी? सो नाइस टू सी यू सर लाइव। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच सर। आई एम सो हैप्पी, हमने सेम शर्ट पहनी है। सिमिलर, यस यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर। मैं बहुत ज्यादा, मतलब व्हेन आई स्टार्टेड, मैंने जब शुरू किया तो आई वाज वेरी, मतलब मॉडलिंग का बड़ा शौक था मुझे। तो आप उस समय सर इतनी मोर देन 20 इयर्स इन द इंडस्ट्री। सॉरी, समबडी बीन सेइंग please give me a shout out, please give me a shout out, high level, yes of course। हाँ, तब से आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत मेरा काम। मैं सर देख रहा हूँ, it's been like 96, क्योंकि because I was there, so I used to like observe models and all, see models। तो आपको सर क्या फर्क लगता है तब की इंडस्ट्री में और आज की इंडस्ट्री में? I think industry तो evolve हुई हुई है पहले से, but people have become more professional now for that matter। और अब मीडियोक्रिटी का जमाना है नहीं, इनफैक्ट यू हैव टू बी वेरी गुड एट योर गेम, कुछ भी करो आप, उसको काम बहुत ज्यादा है, देयर इज एनफ वर्क फॉर ऑल द एक्टर्स, यस, एंड बट देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन एज वेल, सो आपको अपने काम में बहुत अच्छा होना पड़ेगा इनफैक्ट आज डेट में। और मेडल मॉडल्स की इंडस्ट्री बहुत कम हो गई है। आई रिमेंबर देयर वाज अ लॉट ऑफ यू नो मॉडलिंग फॉर अस गाइज अर्लियर, बट मेल मॉडलिंग इतनी नहीं रही है व्हाट इट यूज्ड टू बी लाइक 15 इयर्स बैक, because fashion is very women oriented now and but yes, acting, yes, is evolving and so much interesting stuff as an actor you can do sir। Us waqt there were not so much of opportunities, still you have done so many ramp shows, so many advertisements, matlab aisa lag raha hai aap puri industry par chhaye hue the। I guess foodies, happy birthday to you। Somebody said yes sir, us time to matlab yes, I've been lucky, I've worked hard। I think lucky to matlab is only if you are, luck can only give you a certain platform, but then you have to work really hard for it, you know। To uske baad shuruaat theek thaak ho gayi, then I've really worked hard for where I am right now, and consistent raha main aur with a positive mindset। I think that was very important to be there and to do work with all of them। I've been blessed सर। मॉडलिंग को
मुझे लगता है उतना सीरियसली एज अ प्रोफेशन आज भी नहीं लिया जाता। मैं 96 की तो बात क्या करूं, तो आप कुछ उसके बारे में जरूर कहें कि हाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड, लाइक एज अ प्रोफेशन इज इट दैट वायबल। Your modeling, you can start with modeling, but eventually to live in this line properly, you have to be an actor. Or acting, I don't know, acting, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे यहाँ लगता है ना कि डॉक्टर बनने के लिए भी 8 साल लगते हैं या किसी भी प्रोफेशन के लिए, it takes 10,000 hours to actually become good at your job. अगर आप अच्छे नहीं करेंगे अपने काम को तो आप फिर वो mediocrity में रहेंगे, फिर वो थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगी लाइफ में सारी उम्र। ठीक कह रहे सर, ये 10,000 आवर्स वाली बात मुझे अच्छी लगी आपकी, आई डेफिनेटली फॉलो दैट। यस यस, देयर इज नो शॉर्टकट यार, देयर इज नो शॉर्टकट। पीपल थिंक दैट जो अभी आया और एकदम से जो एक्टिंग कर रहा है आज की डेट में, इट्स वो ऐसे उठ के आ गया है, बट उससे दो चार छोटे मोटे कोर्सेज कर लिए होंगे और एक्टर बन गया होगा वो। नो, इट इज नॉट लाइक दैट एट ऑल। यू रियली रियली हैव टू वर्क हार्ड फॉर एटलीस्ट कपल ऑफ इयर्स, 6-6 घंटे 8-8 घंटे काम करो अपने आप पे, फिर वो सोर्स लाइन में। सर जो नए मॉडल्स हैं लुक लाइक, आप कुछ कह रहे थे। नहीं नहीं, वो लोगों लगता है कि इट्स जस्ट अ केक वॉक, मतलब प्रिपेयर फिर आपकी स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल, लुक लाइक अ वे ऑफ डूइंग इट, यू नो, इट लुक लाइक अ प्रोसेस, इट विल नॉट लुक लाइक अ स्ट्रगल। वो उतनी मतलब वो दिक्कत नहीं होगी, अप्रिशिएट करेंगे, चलो चलो अच्छा एक्टर है, चलो अच्छा कर अपने काम, कुछ भी काम कर रहा हो अच्छा कर रहा है, चलो इसका काम होगा, मिलेगा काम इसको। सर जो नए अब आज फैशन इंडस्ट्री और ग्लैमर इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा क्रेज है लोगों को, आप जो नए एस्पिरेंट्स हैं आप उनको कुछ कुछ कहना चाहते हैं जो नए लोग हैं हु वांट टू टेक, कुछ भी काम, किसी भी काम में नए हो आप, कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हो, यू नो, जस्ट वर्क रियली हार्ड एंड अंडरस्टैंड दैट इट्स अ प्रोसेस, और पूरा प्रोसेस करना जरूरी है। 6 महीने से दो, जैसे डॉक्टर बनने में 8 साल लगते हैं, एक्टर बनने में 2-3-4-5 साल लगते हैं। सो इफ यू वॉन्ट टू, तो वही करो जो आपका मन करता करने के लिए, जिसमें आप मेहनत करो, आपको लगे कि आप मेहनत कर रहे हो, मतलब इट शुड नॉट बी एन एफर्ट, automatically things should happen, like it should look like this is where I belong, right? Then it will be, you should feel awesome. It that way, yes, unless then if you're not doing, if you don't feel like that, then you're in the wrong profession, fir kuch aur karo, right? Life is too short to do something which you don't like to do, definitely. एक बात है सर, मैंने दिखाया है, मतलब मुझे लगता था सेलिब्रिटीज से कम्युनिकेट करना बड़ा मुश्किल है, बट आप तो बड़े इजी गोइंग हो, आपसे बात करना मुझे बड़ा कंफर्टेबल और अच्छा लग रहा है सर। ऐसा कुछ नहीं है, सेलिब्रिटीज, व्हाट इज सेलिब्रिटी यार, सेलिब्रिटी आई थिंक इज अ पर्सन हुज वर्क, व्हाटएवर फील्ड ही इज इन, हुज वर्क यू एडमायर्ड एंड यू फॉलोड, हु हैज इंस्पायर्ड यू टू बिकम समथिंग, टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ यू। आई थिंक सेलिब्रिटी वही होता है और क्या होता है, आई थिंक सेलिब्रिटी हर बंदा अपनी अपनी इंडस्ट्री में सेलिब्रिटी है, अगर वो अच्छा कर रहा है तो, अगर लोगों को इंस्पायर कर रहा है, अगर लोग उसके साथ, लोगों को अपने साथ चला रहा है, लोगों को अपने साथ पुश कर रहा है, चलो डू बेटर डू गुड, सो आई थिंक एवरीबॉडी इज अ सेलिब्रिटी इन दैट इन देयर ओन राइट। बट स्टिल सर वो स्टेटस है, तो जैसे लाइक बीइंग अ कॉमन मैन, इट्स लाइक अप्रोचिंग समबडी अ सेलिब्रिटी। अब मैंने आपसे जब पहली बार फोन पे भी बात की, तो फ्रेंकली यू आर सो हम्बल, सो नाइस और सो गुड टू कम्युनिकेट, मुझे इतना अच्छा लगा बात करके, एंड आई वाज सीरियसली नर्वस, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आई वाज सीरियसली नर्वस, बट यू आर सो, यू मेड मी कंफर्टेबल, और अभी भी बात कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि यार ठीक है, आई एम टॉकिंग टू समबडी, समबडी अ फ्रेंड आई एम जस्ट टॉकिंग टू। आई थिंक दैट इज हाउ इट शुड बी, यू नो, दैट्स हाउ इट शुड बी इवेंचुअली इन लाइफ एज वेल। डोंट टेक योर सेल्फ टू सीरियसली, पीपल टेक जो बहुत है ना, मैं ये हूँ, मुझे सीरियसली बात करनी चाहिए, लाइफ इज टू बी एंजॉयड, एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लाइफ, लोगों से बात करना, आई लाइक पीपल, बाय द वे आई लाइक टॉकिंग टू पीपल, यू नो, एंड दैट्स व्हाट मेक्स योर जर्नी एंड एंड लाइफ सो इजी, यू नो, जस्ट जस्ट गो विद द फ्लो ऑफ थिंग्स, इट्स सो इजी, राइट राइट राइट।
सर एक बात बताओ, ये मतलब ठीक है, व्हेन यू लाइक यू हैव दैट स्टेटस, पार्टी आना जाना, सोशलाइजिंग, एवरीथिंग, और उसके साथ हाउ डू यू मेंटेन सो फिट? मतलब हम तो 4 दिन कहीं घूमने चले जाएं, सब हो जाता है, सब फिटनेस फिटनेस, नहीं भाई अब पार्टी हो रही है, एंजॉय हो रहा है, लोगों से मिल रहे हैं, बट यू हैव, अच्छा सोशलाइजिंग आपके लिए जरूरी भी है, डेफिनेटली यू हैव टू सोशलाइज ऑल दोस पार्टीज एंड एवरीथिंग, तो हाउ डू यू मेंटेन You दैट? don't really have to push to your life के अंदर. What I believe, so it's good to communicate. It's obviously, see, we are social animals यार. We should go out and talk to people any which way. And एक गगन ने बड़ा अच्छी बात लिखी, celebrity is a person who celebrates life. I think it's beautiful. गगन, I love what you said right now. Thank you for saying that about me. You know, if you celebrate life, you're a celebrity. I agree with him completely on that. So celebrate life. Everybody should celebrate life. You know, that is most important more than anything else. You know? And you asked me something. Hi, Hetal. So about parties, yes. Go to parties, meet people, you know. That'll help you open up and, you know, a lot of introvert people, उनको जाना बुरा लगता है, मतलब मैं जाके क्या बात करूंगा, क्या, you know, they feel very nervous कि मैं communicate कैसे करूंगा लोगों के साथ. I tell them very simply here, if you talk to a person, उस इंसान में इंटरेस्ट दिखाओ, बारे में जानने की कोशिश करो. अगर जाने की कोशिश करो, ऑटोमेटिकली यू विल फील कंफर्टेबल, यू विल मेक द अदर पर्सन फील कंफर्टेबल ऑल्सो. तो कम्युनिकेशन की सबसे पहली चीज होती हैव इंटरेस्ट इन द अदर पर्सन, टू नो अबाउट द पर्सन, टू शेयर अबाउट योर सेल्फ. सो ऑटोमेटिकली यू यू विल लाइक पीपल, पीपल विल लाइक यू. And that when that comes together, automatically life will become a party itself. Every day will become a party. Thank you डेफिनेटली for coming with me. डेफिनेट डेफिनेटली. तो सर वहीं आ जाता हूं दोबारा कि कुछ मतलब आपकी जो इंडस्ट्री है, चाहे मॉडलिंग हो, चाहे एक्टिंग हो, या जो भी ये फैशन इंडस्ट्री है, यू हैव टू मेंटेन योर सेल्फ सो फिट. तो मतलब हाउ डू यू मेंटेन योर सेल्फ, लाइक वट वर्कआउट यू डू? लाइक लोग जानना चाहते हैं, मेरे को बहुत लोगों ने पूछा, वट काइंड ऑफ वर्कआउट आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं, वट काइंड ऑफ लाइक शेड्यूल्स यू फॉलो? मुझसे बहुत लोगों ने पूछा, क्योंकि ये जरूर पूछना कि सर कैसे फिट रहते हैं. सो आई थिंक माय फिटनेस रूटीन इज एक्चुअली फर्स्टली टू ईट राइट. मेरा खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. आई ईट फ्रेश बैलेंस फूड, वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो, थोड़ा हम घर पे कम खाते तो थोड़ा बनाते हैं, एंड मतलब दैट वी शुड कंज्यूम एट द मैक्स टिल द इवनिंग. ज्यादा उसको डिले मत करो, कल मत खाओ, परसों मत खाओ. सो आइडली ट्राई एंड मेक स्मॉलर पोर्शन, ट्राई एंड ईट फ्रेश, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड थिंग इज टू स्लीप करेक्टली. स्लीप, ट्राई एंड स्लीप बिफोर 11 इन द नाइट और एट 10. ऑटोमेटिकली वो बताया था ना, ओल्ड जमाने में सूर्यास्त में लोग सो जाते थे और सूर्य उदय के साथ लोग जाते थे. अब यही यही सब मतलब जो हम बेसिक्स भूल गए हैं, मतलब दैट्स व्हाई पीपल आर बिकमिंग अनहेल्दी राइट नाउ. एंड ऑल्सो आजकल बिकॉज ऑफ लॉकडाउन पीपल आर गेटिंग वेरी नर्वस कि भाई आगे क्या होगा, यू नो, क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या जो होगा अच्छा ही होगा. ये चीजें पहले भी आई हैं लाइफ में, पहले भी फ्लूज आए हैं, स्पेनिश फ्लू आया, ये आए, सब कुछ ठीक हो जाएगा. हैव पेशेंस, डू सम प्राणायाम, यू नो, लेट द एनर्जी ऑफ प्राणा फ्लो इन योर बॉडी. आई डू प्राणायाम एवरी डे इन द मॉर्निंग 15-20 मिनट्स. दैट्स हाउ आई स्टार्ट माई डे, यू नो, बिकॉज हर एक को, मैं भी इंसान हूं, हर एक को वो नर्वसनेस थोड़ी होती कि व्हाट इज गोना हैपन टुमारो. समटाइम्स यू फील अ लिटिल शिट, क्या हो रहा है, देन आई गो फॉर अ रन, मैं भागने चले जाता हूँ. कई लोग ड्रिंक भी लेते हैं, यू हैव एन ऑप्शन, यू कैन हैव अ ड्रिंक और गो फॉर अ रन, और थोड़ा योगा कर लो, ऑटोमेटिकली योर हैप्पी हार्मोन्स विल कम आउट एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड. And you feel fresh also. About yourself. You know? You feel fresh also. So, for my fitness routine, basically is I do pranayam in the morning. I work out 4 days a week. I do my push-ups and body workout for half an hour every day without fail. रोज ही करता हूँ मैं. मुझे उसके बिना नींद नहीं आती, मुझे इसके बिना. Then I feel like I sweat every day. That is the idea in life. रोज पसीना आना चाहिए. तो सर कोरोना में कैसे मेंटेन किया आपने? क्या किया मैंने? हाउ डिड यू मेंटेन कोरोना, ये हाउ कोविड-19 डू आई में हाउ मेंटेन डिड कोरोना? सो आई आई हैव रन एवरी ऑल्टरनेट डे. मैं
भागने गया हूँ एवरी ऑल्टरनेट डे, सुबह रोज योगा किया मैंने और बॉडी वेट ट्रेनिंग, मैंने वेट ट्रेनिंग एवरी थर्ड एवरी ऑल्टरनेट डे की है. सो आई थिंक दैट इज, आई थिंक प्राणायाम, आई थिंक पीपल अंडर एस्टिमेट द यूज ऑफ प्राणायाम राइट नाउ. प्राणायाम हर एक को करना चाहिए इनफैक्ट. मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन मैं कल से शुरू करने वाला हूँ आपके कहने पर प्राणायाम. मैंने कभी एनर्जी हैज टू फ्लो प्रॉपरली. इफ एनर्जी डजंट फ्लो प्रॉपरली यू विल फील टायर्ड एंड यू विल फील लेथार्जिक एंड फिर वो नेगेटिव थॉट्स आएंगे बॉडी में, या फिर चक्रास बैलेंस नहीं होते, बहुत चीजें हैं. सर मैंने सुना है ध्रुव भी आया होगा. ध्रुव हाय ध्रुव. सर मैंने सुना है आप स्पोर्ट्स से भी जुड़े रहे काफी टाइम. किसे? स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स यस, आई वाज अ नेशनल लेवल रनर. मैं यूज्ड टू रन 100 मीटर्स. सो आई थिंक स्कूल में मेरा 11.6 तक का टाइमिंग था मेरा इनफैक्ट, व्हिच विदाउट दोस प्रॉपर ट्रैक्स एंड ऑल दैट. सो एट नेशनल लेवल स्कूल में रनिंग काफी की है मैंने. Yes, I would love to do roles like Ajay Sirin in the future. Somebody's asked. I did a show called Khwaba Gudarmia. So if you, I think one of my best roles, it's on Z5. Dekhna. Okay. It was shot with Indian and Pakistani actors as well that time. So, but a beautiful role. I'll watch that, sir. Sir, I'm bade hi aapko dekhte sakte hu. Haan. So that is what. मैं तो हर एक को बोलता हूँ, जब भी व्हेनेवर यू फीलिंग लो गाइस, एवरीबॉडी हूएवर इज फीलिंग लो, जस्ट गो फॉर अ रन, गो फॉर वर्कआउट, यू नो, जस्ट स्वेट आउट योर सारी एनर्जी, पूरी बॉडी की खुल जाएगी आपकी, योर एनर्जी विल स्टार्ट फ्लोइंग, ऑल द नेगेटिव थॉट्स विल गो अवे. डेफिनेटली डेफिनेटली सर, ये कोरोना में, COVID-19 में आज हर कोई डिप्रेस है कहीं ना कहीं, अंदर से फीलिंग्स जो है बहुत लो है, डिप्रेशन की फीलिंग्स है और people have been disturbed like financially, mentally, emotionally. So, मतलब how to maintain your spirit high in these times? आप मतलब क्या suggest करते हैं? Basically, thankful रहो जो आपके पास अभी है. जो हमारे पास है वो लाखों लोगों के पास नहीं है, लाखों लोगों के पास नहीं है. We have a good house. हम दो वक्त का अच्छा खाना खा रहे हैं. We are disease free. We are healthy. You know, हमारे it's beautiful. So I always practice gratitude. Gratitude means thankful for what you have. If you are thankful for what you have, you'll always be positive. You know, एक किताब आई थी called The Secret, Rhonda Burns की. Very very amazing किताब. उनकी fourth book आई है, जिसमें वो लिखती हैं ये वाली बात. However successful you are in life, if you don't have gratitude for what you have, वो सब भी चला जाएगा. वो सब भी चला जाएगा. Right. So have gratitude, and that is one of the most important things to be, to let you be positive and to, you know. Yes, I would love to work with Madhushree again. Madhushree is a very dear friend. I'm in touch with her. सर हम लोग लगता है thankful नहीं हो पाते, बाकी सब कुछ कर लेते हैं. हाँ, thankful होना बहुत जरूरी है. एवरीबडी इज लाइक डाइंग फॉर मोर, जितना है उससे ज्यादा ढूंढ रहे हैं या पाने की कोशिश कर रहे हैं, बट जो हमारे पास है उसे हम कितना रख पाते हैं, रोक पाते हैं, चेरिश कर पाते हैं, वो हम नहीं सोचते. वही होता है ना, इट्स अ वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. मतलब मेरे पास इतना है, मुझे इतना चाहिए, मैं इतने को एंजॉय नहीं करूंगा पहले. मैं वो एंजॉय तो करो, नहीं इतना चाहिए, इतना चाहिए, उसकी उसको ढूंढ, ये कभी एंजॉय नहीं कर पाते, इतना कभी एंजॉय नहीं कर पाते. गगन व्हाट्सअप, दैट इज द बिगेस्ट इशू. सर आपके जो टेलीविजन का जो सफर है वो बहुत बहुत लंबा सफर आपने तय किया है, तो कुछ उसमें से कुछ मेमोरीज अगर आप शेयर करना चाहें तो सबको अच्छा लगेगा. या इनफैक्ट मेरे बहुत अच्छे रोल्स मुझे करने को मिले हैं आज तक. इनफैक्ट जब तक मैंने उस रोल से कनेक्ट नहीं किया, मैंने आज तक रोल किया ही नहीं. मैंने बहुत सारे सीरियल्स रिफ्यूज किए हैं मैंने,
पीपल आर लाइक वंडरिंग यार कि भाई व्हाई आर यू रिफ्यूजिंग दिस रोल. आई सेड आई कैन नॉट रिलेट टू इट. जो मैं देख सकता नहीं हूं मैं वो नहीं करूंगा, यू नो, व्हिच आई कैन नॉट रिलेट टू. मैंने मुझे तो मतलब ऐसे रोल्स मिले हैं व्हिच वर लाइक द नंबर वन शो ऑन सोनी एंड ऑल एज अ लीड. शूटिंग कल से शुरू है बट आई सेड नहीं यार मैं आई कैन नॉट रिलेट टू इट. आई एम सो सॉरी पीपल हैव टेकन इट अगेंस्ट मी. आई सेड इट्स ऑल राइट, इट्स माय लाइफ, आई विल लीड इट द वे आई वांट टू रिलेट इट. चंद्रमुखी जब मैंने सील किया था इनफैक्ट वी शॉट इन महाबलेश्वर, इट्स अ हिल स्टेशन अवे फ्रॉम बॉम्बे. चंद्रमुखी वॉज ब्यूटिफुल. आई हैड अ हॉर्स, तो मैंने हॉर्स राइडिंग वहां सीखी थी मैंने इनफैक्ट. और मेरा हॉर्स का नाम था बाजीगर. ही वॉज द फास्टेस्ट हॉर्स इन महाबलेश्वर. ओके. एंड आई लर्न फ्रॉम हिम. एंड तो हमारी उसकी दोस्ती हो गई थी ना. आई टू फीड हिम एवरी डे इन द मॉर्निंग. उसको रोज मैं गाजर लेके आता था. आई टू फीड हिम बिस्किट्स इन द मॉर्निंग एवरी डे एंड देन सिट ऑन द हॉर्स. एंड ही आफ्टर सिक्स मंथ्स ही आई बिकेम बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. मतलब वो भागा भागा मेरे पास मुझसे मिलने आता था, मुझे प्रॉपर बड़ा घोड़ा इन द मॉर्निंग. दैट वाज लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट इन डूइंग लाइक द सीरीज. डेफिनेटली डेफिनेटली आई कमांडो 1920. ये कुछ चीजें हैं जो मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि पीपल आर नॉट एबल टू रिलेट टू ह्यूमन. और आप जो हैं वो जाकर सब आपके आसपास जो कोई भी है उसके साथ रिलेट कर रहे हैं, उससे कनेक्ट कर रहे हैं. एंड यू आर मेकिंग अ रिलेशन. सो दैट शोज हाउ हाउ व्हाट अ जेम ऑफ अ पर्सन यू आर. आई जस्ट रियली अप्रिशिएट. I just really, really, really. सर मुझे पता चला आपके कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ वेब सीरीज आ रही हैं. आप उसके बारे में बताइए ना. I have just we finished a series called Hostages 2, season 2 खत्म किया था हमने लॉकडाउन से पहले. ओके. लॉकडाउन से पहले खत्म किया था हमने और अब वो आई थिंक वो सपोज टू कम इन जून अर्लियर. आई थिंक बट अब ऑगस्ट या ऑगस्ट एंड में आएगा. इनफैक्ट It's going to be like beautiful season 2. So, what is this series Disney all about? Disney Plus Hotstar पे आएगा. So, see the season 1 first. जिसे देखा नहीं है, please see season 1 first because the story is continuing from season 1 to season 2. Yeah. मैं जरूर देखूंगा सर. मैं जरूर देखूंगा. Please watch. सर, इस समय ना नेपोटिज्म का जो सब्जेक्ट है वो बहुत सीरियस है और बहुत ज्यादा उठा हुआ है, तो उसको लेकर आपका क्या टेक है सर? यार नेपोटिज्म इज अ वेरी डेलिकेट सब्जेक्ट टुडेज डे एंड एज, यू नो. एंड फर्स्टली इट वाज वेरी सैड. जैसे हमने वी लॉस्ट अ ब्यूटीफुल एक्टर, ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग. And you know, see, मैं तो इस बात को मानता हूं कि नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं लोग जो ये बोल रहे हैं कि भाई हमें फेवरेबल थी, तो मेरे ख्याल से दुनिया में हर जगह थोड़ी बहुत होती है. मगर आप किसी को इतना काम नहीं दोगे कि एक फिल्म को वो पूरी कैरी कर सके. यू नो, मैं सपोज मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं फिल्म बना रहा हूं. I might choose, मैं शायद shortlist कर लूँ किसी star son को या star daughter को उस film को star करने के लिए, उसको उसमें hero या heroine बनने के लिए. But ultimately, I will give that role to the person who fits in the maximum, yeah. Because it's a business after all, right? Ups and downs तो होते हैं. जैसे मतलब हम भी कोई TV television के लिए role करते हैं, तो उसके लिए 5-7-10 actors को shortlist किया जाता है, उनके auditions होते हैं. Somebody might even be better than I am in that particular role. मगर रोल मुझे क्यों मिला? Firstly, because मैं इंसान अच्छा था, मैं patience और I am a likable person और I am positive person कि मैं ज्यादा नखरे नहीं करूंगा, ज्यादा स्टारी टाइटर नहीं थो करूंगा और उस रोल को पूरी शिद्दत से निभाऊंगा. ठीक है. So what I feel nepotism is maybe in a little way, but I think you have to take it positively, you know, and work even harder.
सपोज कुछ आपके हाथ से निकल गया, कुछ फिल्म निकल गई आपसे, देन वर्क हार्ड मेक पीपल, यू शुड बी सो गुड एट योर जॉब दैट आपको लोग मना ही नहीं कर पाए यार. और जो चीज आपकी किस्मत में नहीं लिखी वो आपकी मिलने वैसे भी नहीं मिलनी. नहीं मिलने, ठीक बात. लुकिंग एट पॉजिटिवली ऑल्सो, वो एक एक वो बात बोली जाती है ना, दैट गॉड वंस सेड दैट इफ आई हैवन गिवन यू समथिंग बिकॉज आई एम प्रोटेक्टिंग यू एंड बिकॉज आई हैव समथिंग बेटर फॉर यू, सो लुक इट ऑलवेज लुक एट एवरीथिंग पॉजिटिवली. यार हमारा ग्लास हमेशा पूरा भरा है. हाय शालिनी. अभी अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या टीवी इंडस्ट्री में भी नेपोटिज्म जैसी चीज एग्जिस्ट करती है. अभी समझ आ, थिंक सो यार. अच्छा, आई डोंट थिंक सो, बट समटाइम्स समटाइम्स पीपल वुड थिंक कि भाई ये इस प्रोडक्शन हाउस के साथ, सपोज बालाजी के साथ, इस सेम हीरो को दोबारा ले लिया गया सीरियल के लिए, नए हीरो को नया ट्राई किया गया. बिकॉज उस बंदे ने वहां तक पहुंचने के लिए वो एफर्ट किया है, उसने अपने आप को प्रूव किया है, राइट right? तभी उसको वो प्रोड्यूसर दोबारा यूज कर रहा है. उसने ज्यादा फालतू के टैंटर्स नहीं शो किए, उसने ही जस्ट अर्नड इट. सो यू हैव टू अर्न योर प्लेस इन विच एवर इंडस्ट्री यूर इन. हाय आश्विन. सर अभी 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 किसी ने पूछा है कि अंकुर अरोड़ा मर्डर केस में हाउ वाज वर्किंग विद योर को एक्टर विच इसका चोपड़ा. मैंने मूवी देखी है सर. रियल नेम. हाँ जी, वो बस फैंटास्टिक यार. टिस्का चोपड़ा इज अ फैबुलस एक्ट्रेस टू वर्क विद. टिस्का चोपड़ा मतलब वन ऑफ द वेरी गुड एक्ट्रेसेस. इन फैक्ट हॉस्टेजेस 2 में आई एम वर्किंग विद दिव्या दत्ता नाउ. Okay. So that is also amazing to work with her as well. She's also a fabulous actor. She's really good. Both amazing actor. Both amazing. Sir, अगर अच्छे actors आपके सामने हो तो in fact your actor, your role also gets better. You also do a good job at your acting. Sir, इस समय एक nepotism की umbrella के अंदर काफी लोगों के talent को question किया जा रहा है. आपने भी ये चीज देखी होगी. बहुत हम लोग भी फेसबुक पर वीडियोज एंड एवरीथिंग देखते रहते हैं. तो हाउ डू यू रिलेट टू दैट? वो चीजें क्या वो ठीक है? मानता हूँ टेढ़ा, मैंने उल्टा सीधा सवाल पूछ लिया है, बट ठीक है गलत है. बट माय पॉइंट इज फर्स्टली अपने आप को देखो, लुक एट योर सेल्फ फर्स्ट. व्हाट आर यू डूइंग एज अ पर्सन? राइट, वी आर ऑलवेज सो कंसर्न इन एवरीबडी एल्स अराउंड अस कि वो ये कर रहा है, वो आप खुद क्या कर रहे हो. मैं सिर्फ ये सवाल पूछता हूँ पहले, आप खुद क्या कर रहे हो? उससे बातें बात की है. ओके, आई ऑलवेज से नेगेटिव, जो बात गलत है वो बात गलत है. आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बात गलत. But everything is very relative. What is wrong for someone is right for the other person as well. Look at that other person's perspective also. मैं आपकी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहा, मैं हर बात की बात कर रहा हूँ. मैं हर बात की बात. ठीक बात, ठीक बात. That's what I feel. सर अभी अभी पूछा किसी ने कि how TV actors are different from film actors. आपने तो दोनों किए हैं सर. how कोई ऐसा खास डिफरेंस है दोनों में? ऐसा कुछ नहीं यार, एक्टिंग इज एक्टिंग. एक्टिंग इज एक्टिंग. इट्स अबाउट बस टेलीविजन में क्या होता है, टेलीविजन इज अ मीडियम ऑफ क्लोजअप्स. टेलीविजन आपका इतना है, देखो ये क्लोजअप इस्तेमाल करता है. ओके, आप देखते हो कि सो बिकॉज लॉट ऑफ टीवीज इन अर्लियर टाइम्स वर स्मॉल स्मॉल स्क्रीन. पहले 14 इंच टीवीज थे, फिर 21 इंच टीवीज हुए, फिर अब 32 इंच स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया, फिर अब 40 हो गया. अब लोगों के घर में 65 इंच टीवीज है. People who are can afford 85 inch, वो भी है. मतलब अब 50 inch एक standard बन गया. तो धीरे धीरे medium of that is opening up. That's why you see web series now are also bigger format now. Right. Right. They're not too many close ups. So TV उस पर पहले सिर्फ यही फर्क था, और कोई फर्क नहीं है. Just have to understand कि camera है, कितनी magnification साथ shoot, बाकी आपको acting करनी है, आपको character feel करना है. उसमें feel करो, इसमें feel करो, कुछ नहीं फर्क पड़ता. सर आपने ऋषि कपूर जी के साथ काम किया है, हाउ वाज द एक्सपीरियंस?
I think it was amazing. He was such an open, it was a beautiful film called Pyar Mein Twist. It was a beautiful film. उनके साथ काम करके बहुत मजा आया था मुझे. एंड आई मिस हिम ऑल्सो. हम वी वेंट टू मॉरिशियस टू शूट द क्लाइमेक्स ऑफ प्यार में ट्विस्ट. ओके. मतलब तो वैसे इंसान थे, स्पॉन्टेनियस एक्टर, ब्यूटिफुल एक्टर. मतलब आई तो वॉज जस्ट इन ऑफ ऑफ हिम टू सी हिम एक्ट. की मतलब सर कर कर कैसे रहते वो सब चीजें. इनफैक्ट एंड वी टू हियर स्टोरीज ऑफ कूली. जब कूली में अमिताभ बच्चन साहब को चोट लगी थी तो उसके बारे में बता रहे थे. इनफैक्ट हम कि भाई हम सब साथ में थे उस टाइम, कैसे उनको उठा के एकदम से एयर इंडिया के प्लेन में पूरा एक रो सीट से निकाल के उनको रखा था, फिर बॉम्बे में लेके आए. और हर मंदिर, हर मस्जिद, हर हर यू नो चर्च, हर जगह उनके लिए दुआएं, उनके लिए प्रेयर्स हो रही थी. यू नो इट वाज अमेजिंग, यू नो सो ब्रिलियंट. सो यस, एंड सेम थिंग वी I prayed for his recovery also, but I guess unka time tha and he had to go to a better world. Sir, ab jaise ab ye web series ka sari launchings web series par ho rahi hai, so matlab what is the difference theater web series and matlab how does it affect to producers and everyone? See, difference. See, first, जिसने भी एक्टर बनना है, शुड लव एक्टिंग फर्स्ट मोर देन एनीथिंग एल्स. वैसे बोल, लव द क्राफ्ट, देन यू कैन यूज एनी मीडियम. थिएटर यूज करो, टेलीविजन यूज करो. थिएटर इज लाइव ऑन स्टेज. सो लाइव में क्या होता है कि आपको इंस्टेंट रिएक्शन मिलते हैं पब्लिक से. एवरीबडी इज क्लैपिंग, दे इंस्टेंटली यू गेट अ रिएक्शन. टीवी में पता लगता नहीं भाई कोई रिएक्ट कर रहा है कोई, बट टीवी में अगर आपने अच्छा सीन एक्ट किया है तो आपके जो पोस्टर भी बोलेंगे बड़ा अच्छा किया, आपका कैमरामैन बड़े बोलेगा कि बड़ा अच्छा किया. सो डोंट वरी अबाउट ऑल दैट. यस, एब्जॉर्ब इट, टेक इट पॉजिटिवली, बट डोंट वरी. पीपल वरी अबाउट उस बंदे का रिएक्शन कैसे आएगा मेरे रोल करने पे. डोंट वरी अबाउट ऑल दैट. जस्ट डू फील योर थिंग एंड जस्ट गो एट इट एंड डू इट. बट एक थिएटर का चस्का भी होता है कि एक लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना. बट डिफरेंस यही है बस कि वो लाइव ऑडियंस है, ये टेलीविजन ऑडियंस है. वो पीपल कैन सी यू इन द स्मॉलर स्क्रीन एंड दिस इज द बिगर स्क्रीन. दैट्स ऑल द डिफरेंस. और डिफरेंस कुछ नहीं है. और डिमांडिंग, पूछते लोग डिमांडिंग कितना, तीनों डिमांडिंग होते हैं. फिर में आपको रिहर्सल करनी पड़ती है. नसीर साहब और अभी भी हजार बार एक सीन का रिहर्सल करते हैं बिफोर ही डज इट, हजार हजार बार. तो ये, और जो आज के तो कई बार नए लड़के आके बोलते हैं हम जाके सेट पे रिहर्सल करेंगे, ऑल दैट इज नॉनसेंस यार. रिहर्सल करके आओ, यू विल स्टैंड आउट, इट विल शो दैट यू आर अ हार्ड वर्किंग एक्टर. सर एक शुरू में ना, व्हेन आई स्टार्टेड आई वांटेड टू एंटर द मॉडलिंग इंडस्ट्री, बट मैं अपने पेरेंट्स को कोई खास कन्विंस नहीं कर पाया था. दे वर लाइक वॉच. आज भी मेरे आसपास ये चीज देखने को मिलती है. तो आप कुछ मतलब हाउ शुड वी कन्विंस देम, हाउ शुड वी से दैट नहीं यार दिस इंडस्ट्री इज आल्सो अ गुड फ्यूचर, आई वांट टू गो फॉर दिस. मैं तो बोलता हूँ अपने पेरेंट्स से खुल के बात करो. अगर आपको, इफ यू एक्चुअली वांट टू डू समथिंग, टेल देम गिव मी 6 months प्लीज, गिव मी 1 year प्लीज, 1 साल 6 महीने दो मुझे, ताकि मैं रिग्रेट ना करूं लाइफ में कभी, मतलब कि मैंने ये ट्राई नहीं किया. राइट, आई थिंक माँ बाप कोई नहीं मना करेंगे किसी को कुछ नया ट्राई करने से. कुछ आपके एक्सपीरियंस आपको कुछ लाइफ में सिखाएगा ही ना. अगर आप कुछ 6 महीने साथ उनको कुछ प्रूफ कर दोगे तो दे विल ऑल्सो बी हैप्पी दैट यू आर हैप्पी. अल्टीमेटली पेरेंट्स वांट हैप्पीनेस ऑफ देयर चिल्ड्रन. So, इतना हार्ड वर्क करके देखो उनको कि भाई उनको दिखे कि he really wants this to happen. सर आपके किसी फैन ने कोई वियर्ड चीज की हो आपको याद हो? क्या चीज? Any of your fans, if he or she has done something weird and you remember, you want to share it? कुछ वियर्ड ऐसे, thankfully ऐसा कुछ वियर्ड मेरे साथ अभी जिंदगी में हुआ नहीं है. In fact, and I've been very clean on my work. I go to work and I come back and I have just have fun on the sets. Touch wood, aise kuch nahi hua. Nothing that I can talk about here.
राइट गौरव छाबड़ा साहब, क्या हाल है? सर, कोविड में बहुत मोटिवेशन की बड़ी जरूरत हाँ है. जी, हाउ हाँ डू जी, हाउ डू यू हाउ डू यू लाइक पीपल टू थिंक आफ्टर कोविड? हाउ इज लाइफ आफ्टर कोविड? आई थिंक लॉट ऑफ पीपल विल बी थैंकफुल यार. फर्स्टली लोगों को बेसिक्स जो हम सब कुछ भूल गए थे, यू नो, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, बेसिक चीजें, मतलब यू नो वी फॉरगॉट द बेस. वी वर रनिंग आफ्टर सो मेनी थिंग्स. एटलीस्ट वी आर एक ठहराव आ जाएगा लोगों में मेरे ख्याल से कोविड के बाद. और काफी लोग जो पॉजिटिव रह रहे हैं, कुछ नया सीख के, कुछ अपने आप को, अपना स्किल भी एनहांस करेंगे. आई थिंक इट विल बी गुड यार. लाइफ विल बी वेरी पॉजिटिव. लाइफ विल बी वेरी गुड यार. लाइफ विल बी वेरी गुड आफ्टर कोविड. आई थिंक एंड कोविड अगर विल फिनिश वेरी सून. कोविड विल फिनिश इन द नेक्स्ट 3 or 4 months. वी विल बी थैंकफुल अगेन. लाइफ विल बिकम नॉर्मल अगेन. एंड गाइस, डोंट वरी एट ऑल. जस्ट रिमेन पॉजिटिव. अपने आप पे काम करो. थोड़ा लेट पीपल अराउंड यू स्माइल. उनको खुश रखो, खुद खुश रहो. दैट्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट. हाय शैलजा, यू नो इट विल बी वेरी गुड आफ्टर कोविड. ए लिटिल बिट ऑफ टफ टाइम्स आपसे राइट बात नाउ. करके मुझे भी बहुत पॉजिटिव लगा. थैंक यू, थैंक यू, आई एम फीलिंग रियली पॉजिटिव टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच. अपने फैन से कुछ कहना चाहेंगे सर आप? मैं तो बस यही बोलता हूँ लोगों को यार, फैंस को अपने एंड माय फ्रेंड्स, जस्ट स्टे पॉजिटिव. वो जैसे बोला जाता है ना, पानी का ग्लास, इफ यू लुक एट अ ग्लास ऑफ वाटर, उसमें इतना पानी है. लुक एट द वाटर इन द ग्लास, डोंट लुक एट द एम्प्टी स्पेस. द ग्लास इज ऑलवेज हाफ फुल, यू नो, इट्स हाफ फुल. लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ. बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव. और अपने आप, और जो भी लाइफ में करो उसको पूरी शिद्दत से करो और उसमें मास्टर बनो. तभी आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगी. तभी आपको वो आप खुद अच्छा फील करोगे कि मैंने अच्छा काम किया है. बोलते ना, डोंट बी जैक ऑफ ऑल, बिकम अ मास्टर ऑफ वन फॉर श्योर. सेइंग होती है ना, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, विच इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड. एक डेफिनेट चीज में मास्टर बन जाओ, बाकी चीज एंजॉय करो. हाय भैया. हाँ, ध्रुव के डेफिनेटली. साथ मैंने काफी ट्रेनिंग की थी बारबेरियन में. आई वेंट टू बॉम्बे द फर्स्ट टाइम, सो वी रियली एंजॉय ट्रेनिंग विद ध्रुव. ध्रुव इज अ फ्रेंड ऑफ योर्स, राइट? फ्रेंड ऑफ माइन. या हाय जेनिका, सविता. माय मोटिवेशन थॉट, मोटिवेशन थॉट एवरी डे इज व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, थैंक यू फॉर बीइंग अलाइव. आप सुबह उठे हो, आप फ्रेश हो, यू स्लेप्ट वेल, यूर अलाइव एंड यू आर, एंड इट्स अ ग्रेट डे. इज सो मेनी पॉसिबिलिटीज. वो बोलते हैं ना, एवरी डे अ न्यू चांस, अ न्यू पॉजिटिव थिंग इन लाइफ. लुक एट इट लाइक दैट. हर हर रोज सर हमारा अपना नया दिन है. एंड व्हाट आई आल्सो फील इज कि वी शुड लाइक टेक इट एज अ चैलेंज, लाइक गो फॉर इट एवरी डे. वी शुड गो फॉर समथिंग न्यू, लाइक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. दैट इज व्हाट आई फील इन. बोलते ना, 1% हल्का सा अब कल से आज बेटर बनो. बैटर हल्का सा, इतना सा भी चलेगा. बस जस्ट जस्ट वर्क हार्ड टूवर्ड्स दैट. दैट्स इंपॉर्टेंट. सर रोज अगर 1% भी बढ़ते हैं तो 2, 4, 10% हम लोग धीरे धीरे से बढ़ते रहते हैं, पता भी नहीं चलता उसका कि लाइफ एब्सोल्युटली. कितनी जल्दी आगे बढ़ जाती है. एंड दैट विल ओनली हैपन इफ यू आर मेंटली फिट. फॉर दैट डू प्राणायाम, डू फॉर प्राणायाम. दैट वर्कआउट, गो फॉर अ रन. ब्रीदिंग, ब्रेथ, यू नो, ओपन्स अप ऑल दोज मेंटल ब्लॉक्स. प्राणायाम से वो नेगेटिविटी बाहर निकलती है, पॉजिटिविटी आती है. यू नो, उस ब्रेथ से आपके एनर्जी चैनल्स खुलते हैं. सो देन 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 ऑल द चक्रास फ्लो प्रॉपरली. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यार. सर यू सेड यू वर लाइक नेशनल लेवल रनर, तो डू यू वॉन्ट टू गिव सम टिप्स अबाउट हाउ टू बी लाइक अवॉइड इंजरीज वाइल रनिंग एंड हाउ वी कैन लाइक रन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लाइक लोअर बैक, नीज, बहुत सारी इंजरीज हो जाती है वाइल
when we do it हाँ consistently. तो any kind of like precautions या कुछ डाइट में कुछ चेंजेस, न्यूट्रिएंट समथिंग विच यू कैन लाइक गाइड दीपक पीपल. यार, आए तो बेसिकली आई डू अ 5-7 मिनट वार्म अप बिफोर दैट. पूरी बॉडी को स्ट्रेच करता हूँ, वार्म अप करता हूँ घर पे मैं, एंड देन आई वॉक फॉर 10 मिनट्स दैट माई बॉडी इज वार्म्ड अप. देन आई स्टार्ट रनिंग अ लिटिल बिट, देन आई डू स्प्रिंट्स ऑल्सो इन द मिडल. ओके सो दैट इज वॉट इज इम्पॉर्टेंट. बिना वार्म अप किए कुछ मत करें. आई थिंक जिम वर्कआउट ऑल्सो वार्म अप इज एन एसे. दैट्स वाई इफ यू डोंट वार्म अप प्रॉपरली यू विल हैव इंजरी, यू नो. एंड इट देयर इज लोग बहुत लोग गलत भागते भी हैं. दे पुट लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन देयर नीज, सो योर काफ एंड योर थाई शुड बी यूज मोर. यू शुड बी लाइक फ्लोटिंग, नॉट स्टॉम्पिंग ऑन व्हेन यू रन, राइट. इनफैक्ट बाहर तो स्पेशलाइज्ड रनिंग कोचेस होते हैं बाहर, हु टेल पीपल दैट अच्छा योर पोस्चर इज गोइंग रॉन्ग, या आप गलत भाग रहे हो या गलत चल रहे हो. पूजा, यू नो दैट इज इंपॉर्टेंट. यू नो लॉट ऑफ पोस्चर ट्रेनिंग हैज टू हैपन. सो काइंड ऑफ समबडी शुड एक्चुअली स्पेशल. रिकॉर्ड रिकॉर्ड द वे यू रन, एंड देन यू शुड एक्चुअली ओके सी द वे यू रन, हाउ इज योर फुट फॉलोइंग. यू नो दैट्स वाई द इंजरीज हैपन, बिकॉज वी वर टॉट ऑल दैट व्हेन वी वेंट फॉर ट्रेनिंग. And sir, any What kind are of you? special nutrients or diet plan regarding that? Nutrients, I think, great. Just have normal food, healthy food. Your at least 30-40% of your food should be roughage. हम roughage नहीं खाते, raw food नहीं खाते. Your cucumbers, your beetroot, आंवला, lots of fresh fruits. ये खाना should be at least 30-40% of your diet. That is important. You know, your digestion should be amazing. These things are very important. Yeah. Roughage खाओ और फ्रेश खाना खाओ. एंड ऑल्सो यू कैन ऑल्सो फिगर आउट वॉट इज अ गुड डाइट फॉर योर ब्लड ग्रुप एज वेल. लॉट ऑफ टाइम्स वी ऑलवेज गो रॉन्ग. और जो हम ऑयल यूज करते हैं, ऑलिव ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, सो कीप ऑन मिक्सिंग दोज ऑयल्स. यू नो समटाइम्स यूज एन ऑलिव ऑयल, समटाइम्स यूज सनफ्लावर ऑयल, समटाइम्स यूज डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल्स. दैट ऑल्सो वेरी हेल्प्स. और बाहर का जो ज्यादा बाहर के तरफ फ्राइड मत खाएं, बिकॉज बाहर का दे यूज ऑल दोज पाम ऑयल, द चीपेस्ट ऑयल दे यूज टू कुक. जो पकौड़े से बाहर से भजिया खाते हैं, इट्स नॉट वेरी गुड टू हैव. मेड पकौड़ा इज इन योर ओन हाउस एंड हैव पकौड़ा या बट हैव इट इन द राइट ऑयल. Right, अवॉइड no outside food. है, प्लीज अवॉइड. एक क्वेश्चन आपके लिए आया था कि जैसे आई बिलोंग टू द फिटनेस इंडस्ट्री, तो व्हेन इट कम्स Lots of टू nice berries, हाँ almonds. व्हेन इट कम्स टू द अपियरेंस, द एक्टर्स अपियरेंस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम अ फिटनेस मॉडल, लाइक दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. तो हाउ डू यू मेंटेन दैट, लाइक द नेचुरल लुक, द फेस ऑलवेज ग्लोइंग एंड द बॉडी इज ऑल्सो इन शेप, बट नॉट दैट फिटनेस लुक, दैट इज डिफरेंट. अ फिटनेस मॉडल इज डिफरेंट, एन एक्टर इज डिफरेंट, अ बॉडी बिल्डर इज डिफरेंट, एन एथलीट इज डिफरेंट. एवरी वन हैज अ डिफरेंट. बट मुझे जो सबसे अच्छी, जो द मोस्ट चार्मिंग लुक्स हैं, वो आप एक्टर्स की होती हैं सर. हाउ डू यू मेंटेन दैट? मेरा वही बात आती है, इट इट्स अ वे ऑफ लाइफ. फर्स्टली ओके फिटनेस इज ऑल्सो अ वे ऑफ लाइफ. यू नो अगर स्टार्ट लविंग योर सेल्फ फर्स्ट. हमें एक्टिंग इंडस्ट्री में पहली बात कहा जाता है कि भाई रोज सुबह उठ के एक्टर बनना है तो स्टार्ट लविंग योर सेल्फ फर्स्ट. कुछ भी करना है आपको लाइफ में, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ फर्स्ट. सुबह उठ के बोलो दैट दैट आई लव यू, दैट एंड द मिरर पर्सन द मिरर, आई लव यू. यू नो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फील गुड अबाउट योर सेल्फ. सी एंड देन यू नो वॉट यू डूइंग, राइट. मैं एक्टर हूं, मुझे कैसी बॉडी चाहिए. मैं फिटनेस मॉडल, मुझे कैसी बॉडी चाहिए. मैं बॉडी बिल्डर, मुझे कैसी बॉडी चाहिए. तो वैसे ही एक्सरसाइज करूंगा मैं. मैं एक्टर हूं, मैं फिटनेस मॉडल वाली बॉडी बना सकता हूं अगर मुझे वैसा कुछ रोल मिले तो. ओके मैं एक्टर हूं, मैं बॉडी बिल्डर वाली रोल भी बना सकता हूं 1 साल के बाद, मुझे अगर कोई ऐसा कोई रोल मिले तो. लुक एट आमिर खान, द वे ही चेंज्ड फॉर दंगल. पूरी या डेफिनेटली ही डिड. बॉडी बिल्डर बन गए थे वो, हाँ देन ही केम बैक बिकेम नॉर्मल अगेन. नॉर्मल कोई भी बॉडी बिल्डर, यू नो अरे बॉडी बिल्डर सो मेनी इंजरीज.
It's not easy being a bodybuilder, in fact, all throughout. Definitely. So, that's most important. For coffee and no outside food. Dhruv train kar dega. Dhruv ke paas jao. Dhruv will train you for whatever profession you want to be in. Hi, Jineka. Are you back? Yes, sir. Aawaz aa rahi hai aapko? Mujhe aa rahi hai. Mujhe aa rahi hai. Tumhe aa rahi hai? Okay. Okay, last couple of questions, then let's wrap up. Definitely, sir, definitely. Sir, मेरे दिमाग में ना यही बात बार बार घूम रही है. It's like 24 years you are active with the industry. That's a long 24 years you have been active with the industry. Yeah. Such a long time. And you maintain yourself and your charm, your charisma, your aura, it's still maintained. Like, what guidance you would give to people to maintain such a long journey regarding fitness, regarding motivation also, sir? Please. Yeah, why? Be positive. Aaj ka din agar bura hai, kya din better jayega kal se, aaj ke baad, you know. That I seriously feel, if the day today has been hard on you, tomorrow will be a better day. I have a t-shirt also, spill it out. You know, 365 days, 365 chances. That's it. And also spend time in meditation. Meditate every day as well. 15 minutes. The biggest actors, the biggest leaders, the successful people in the world meditate. And you are born to be happy as well. Please be happy. Find happiness. You know, जो चीज तुम्हें खुश रखती है उसको करो. And enjoy the small things. Don't worry always about the big things. The happiness is always in the small things. And thankful. That's all. चार चीजें. Gratitude every day in the morning. Second, staying positive. Third, today the day is not so good. Tomorrow will be a better day. Fourth, be positive. Fifth, be positive. Sixth, be positive. Positive. Sir, I remember. It's about your nazariya. Har cheez ko nazariya dekho ki positive se dekho. Bas sab kuch theek ho jayega. I'll remember your line, 365 days, 365 chances. Absolutely, yeah. Aaj ka mantra rahega ye. Absolutely. Subhash. Sir, it was great talking to you, sir. My pleasure. And stay positive. something for your fans. Last line. You know, that's all. That's all. I've said everything. Just stay positive and have a lot of gratitude. On my Instagram post also, you know, my first hashtag is gratitude. I'm thankful. I'm thankful for where I am. Thank you so much. Tejas. I'm thankful to you, sir, for giving your time. Thank you. Thank you so much. Thank you. See you guys. Bye. Take care.